अयोध्या के गोसाईगंज में एसपी उम्मीदवार के काफिले पर फायरिंग हुई है। एसपी उम्मीदवार अभय सिंह के काफिले पर फायरिंग की खबर है। काफिले पर कई राउंड गोलियां चलाई गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। अयोध्या के गोसाईगंज का ये मामला है जहां एसपी उम्मीदवार अभय सिंह के काफिले पर फायरिंग की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कई राउंड फायरिंग की गई है। अयोध्या के गोसाईगंज में एसपी उम्मीदवार अभय सिंह के काफिले पर ये फायरिंग की तस्वीरें, गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग की गई, ये बड़ी खबर। गाड़ी में एसपी उम्मीदवार मौजूद थे या नहीं थे ये भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसपी उम्मीदवार अभय सिंह के काफिले पर फायरिंग की गई, फायरिंग किन लोगों के जरिए की गई है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन अंधाधुंध कई राउंड यहाँ गोलियां चलाई गई हैं। इस कार को निशाना बनाया गया, एसपी उम्मीदवार अभय सिंह का काफिला जिसे निशाना बनाया गया, कई राउंड गोलियां बरसाई गई हैं। एसपी उम्मीदवार हैं अभय सिंह, अयोध्या के गोसाईगंज पे उनके काफिले पर हमला हुआ है। हमला किसने किया यह भी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया है। और हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे नुमाइंदे अंकित मिश्रा मौजूद हैं अपडेट के साथ, तफसील के लिए। अंकित, पूरा मामला समझना चाहेंगे, जिस गाड़ी पर फायरिंग की गई क्या उसमें एसपी उम्मीदवार अभय सिंह मौजूद थे? देखिए, जो दावा उनकी तरफ से किया गया है उसके मुताबिक वो उस गाड़ी में मौजूद थे। गाड़ी की तस्वीरें भी हमने चलवाई हैं अपने चैनल पर, और शीशे फूट गए हैं उस गाड़ी के। जो बताया जा रहा है कि उस गाड़ी पर 24 घंटे गाड़ी के साथ जो अभय सिंह है प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, उनके साथ दो जिप्सी चलती हैं हमेशा, 2400 घंटे पुलिस की जिप्सी चलती है। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प मामला है कि अचानक से कैसे उनकी गाड़ी पर हमला हो जाता है पुलिस के रहते हुए। लेकिन ये मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी आपसे ठीक 8 रोज पहले मैं अगर जाऊं तो 2 फरवरी की वो तस्वीर मुझे याद आती है जब इसी तरीके का हमला कुछ आरती तिवारी के ऊपर भी हुआ था। तब उन्होंने भी ये दावा किया था कि मेरे ऊपर हमला हुआ है और अभय सिंह की तरफ से करवाया गया है। आरती तिवारी खब्बू तिवारी की पत्नी है और इस बार वही बीजेपी की उम्मीदवार हैं। और ये माना जा रहा है कि कम से कम इस सीट से, गोसाईगंज की जिस सीट की हम बात कर रहे हैं वहां से वो मजबूत उम्मीदवार हैं। और ऐसे में अब ये जो हमला हुआ है अभय सिंह, इसमें आरोप लगा रहे हैं विकास सिंह और रमेश सिंह का नाम ले रहे हैं ये आरोपी, वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि तकरीबन 10 से 12 लोगों की वहां मौजूदगी थी जब उन पर ये हमला होता है और अचानक से उनकी गाड़ी के सामने, उनके काफिले के सामने ये लोग आ जाते हैं और उन पर गोलियां तान देते हैं। ये कहना है उनका, जो तहरीर उन्होंने दी है पुलिस के सामने। लेकिन अब जो बड़ी खबर वहां से निकल कर आ रही है मैं वो आपको बता दूं कि अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी इसी चीज को लेकर के पुष्टि हो रही है। बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख है कप्तान सिंह, वो बयान दे रहे हैं कि विक्रम सिंह के ऊपर हमला हुआ और जब वो कोतवाली आ रहे थे जहां अभय सिंह ये तहरीर दे रहे थे बैठ करके, तो उनके ऊपर गोलियां चला दी जाती हैं और बड़ी मुश्किल से वो अंदर आ पाते हैं, माफ कीजिएगा, उनके ऊपर पथराव कर दिया जाता है, बड़ी मुश्किल से अंदर आते हैं। और अब से कुछ देर पहले ये तस्वीरें भी वहां से आई हैं महाराजगंज थाने की, जहां पर पथराव होने लगा था। बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी करा रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी करा रही है। अब इन दोनों के बीच में स्थिति ऐसी हो गई है कि प्रशासन वहां पर मुस्तैद हो गया है, थाने को इन लोगों ने घेर लिया था, जिसके बाद वहां पर आनन फानन में भारी सुरक्षा बल को तैनात करना पड़ा और शैलेश कुमार पांडे जो हैं अधीक्षक हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के अयोध्या से हैं, उनको आकर के सामने अपनी बात रखनी पड़ी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दोनों पक्षों की आपस में जो लड़ाई हुई है, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर दावे किए हैं, लेकिन उन्होंने कहीं से भी गोली का जिक्र नहीं किया है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, क्या माना जाए बीजेपी और एसपी उम्मीदवार जो इस तरीके के दावे कर रहे हैं और इल्जाम तराशी कर रहे हैं, तो ये सियासी आपसी रंजिश कहा जा सकता है इसे? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक होता है विक्टिम कार्ड खेलना, कि ये दिखाना अपने क्षेत्र में कि देखिए हम पर हमला हुआ है, दोनों ही दलों ने किया है। तकरीबन 1 महीने के अंदर में ये दूसरा मौका है, एक बार बीजेपी कर चुकी है, अब दूसरी बार समाजवादी पार्टी कर रही है। तो आप इसको इस तरीके से लीजिए कि जनता के बीच में एक परसेप्शन पेश करना होता है, धारणा लानी होती है कि देखिए हम कितने विक्टिम है, हमारे ऊपर अचानक से दूसरी पार्टी गुंडागर्दी कर रही है। और यही मेन मुद्दा है यहाँ पर, दोनों ही दल आपस में एक दूसरे को गुंडा साबित करने के उसमें होड़ में लगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।